मेरे परिचित डॉक्टर बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि डॉक्टर की मेरी फैमिली भी है, फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो आजकल मैं एक फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे एक पोस्ट बहुत ज्यादा चल रही है कि आंध्र प्रदेश के एक डॉक्टर को सड़क पे नंगा करके कैद किया, मारा, उसको जो ऑटो है उसके अंदर नीचे बैठा के उसको ले गए। बहुत ज्यादा ऐसी पोस्ट आ रही हैं। तो जो डॉक्टर है मेरे परिचित, उन्होंने कहा कि एक 5 मिनट का वीडियो उस पे बना दीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, सही जानकारी मिल जाए। तो जो पोस्ट आ रही हैं, उन पोस्ट में एक तो ये कहा गया है कि जो डॉक्टर हैं उनकी जाति शेड्यूल कास्ट है, दूसरा ये कहा गया है कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने वहां कुछ उपकरण मांगे, क्योंकि बिना उपकरण के तो कोई डॉक्टर काम कर नहीं सकता। कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, अगर उसके पास संसाधन ना हो, दवाई ना हो, इक्विपमेंट ना हो, उसका सामान ना हो, तो वो डॉक्टर बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता, सिवाय एडवाइज करेगा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि डॉक्टर के लिए इंजेक्शन, दवाई, उसका किट, उसका मास्क, उसका स्टेथोस्कोप या जो भी उसकी चीजें होती हैं, वो बहुत जरूरी हैं, वही डॉक्टर को पूरा करती हैं। तो उनकी जायज जैसी भी है वो तो वो जाने, मगर यहाँ जो एक बात आ रही है वो ये आ रही है कि जाति सूचक में वो शेड्यूल कास्ट होने की वजह से ज्यादा पनिशमेंट उनको दी गई है, ऐसा पोस्ट में बार बार आ रहा है। सच्चाई का तो मुझे पता नहीं, मगर डॉक्टरों की चूंकि रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आई है तो मैं उसको थोड़ा सा विश्लेषित करके ये बता सकता हूँ कि भारत के अंदर जितने भी डॉक्टर जो SC ST OBC हैं, उन सारे डॉक्टरों को परेशान करने की एक रणनीति बनाई जा रही है, मानसिक रूप से तैयार की जा रही है। उनको बार बार कहा जाता है कि ये डॉक्टर निकम्मे हैं, ये अच्छे नहीं हैं। इसका एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया हुआ है, मगर यहां चूंकि वीडियो बन चुकी है वो देख लें आप। यहां मेरा एक दूसरा मतलब है कि डॉक्टर जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो पिट रहे हैं, और अब तो डॉक्टर आ भी नहीं रहे क्योंकि सीटें सारी गड़बड़ झाला हो रही है और OBC और SC ST को सीटें नहीं मिल रही हैं, ना PG में मिल रही हैं और ना ही ग्रेजुएशन में मिल रही हैं। बेसिकली डॉक्टर को, क्योंकि कुछ लोगों ने उस पर कमेंट किया कि ये सरकार के होते हुए डॉक्टर पिट रहे हैं, या डॉक्टर पिटा, या सरकार ऐसी है, सरकार एक मानसिकता की है, उसने पीटा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दरअसल सरकार डॉक्टर को नहीं पीट रही है, सरकारों ने डॉक्टर नहीं मारे हैं, सरकार डॉक्टर को जमीन पे नंगा होके नहीं लेटा रही है, सरकार डॉक्टर को मजबूर नहीं कर रही है। बेसिकली जो पिटवा रहे हैं वो हैं SC ST OBC समाज के संगठन। एक रणनीति आप समझें कि पूरे भारत में SC ST समाज के डॉक्टर पहले भी पिटते रहे हैं, इस सरकार में भी, उस सरकार में भी, उस सरकार में भी, और अगर कभी सरकार SC ST की आई है तो उसमें भी, कम या ज्यादा। तो ये जो पिट रहे हैं, इनको पिटवाने का तरीका क्या है? क्योंकि एक पिटने का, एक डर का, एक भय का खेल होता है। अगर जनता पिटेगी तो वो नेता के पास जाएगी, तो नेता आराम से बैठ के बंसी बजाता है, उनका नेता जो पिट रहे हैं वो ये कहता है कि तुम मेरे नीचे आ जाओ, देखो भाई जब तक सरकार नहीं बनेगी मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। तो अभी तुम कितने पिटे हो? अभी थोड़े पिटे हो, थोड़े और ज्यादा पिटो तो फिर तुम मेरे पास सारे आ जाओगे। तो पहले मैं सरकार बनाऊंगा, जब मैं सरकार बनूंगा तो सरकार में पावर आऊंगा, तब मैं कुछ कर सकता हूं। यानी कि वो ये दिमाग में बात डालता है कि सरकार बनेगी तो ही वो कमांड कर सकता है, सरकार बनेगी तो ही वो कुछ कर सकता है। अरे भाई सरकार बनेगी तो तू काहे का नेता है भाई? सरकार बनेगी तो तेरे में कौन सी खास बात है? सरकार बनेगी तो कर लेगी जो करना है। तो अब नेता है, दिक्कत अब आई है, तुम अब क्यों नहीं इकट्ठे होते? तुम क्या इस बात का इंतजार करते रहते हो कि डॉक्टर पिटे, इंजीनियर पिटे, जज पिटे, सरकारी कर्मचारी पिटे, पब्लिक पिटे, मजदूर पिटे, सारे लोग पिटे, सब पिट के तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारे पास हाथ जोड़े, अब तुम हमारे आका हो, काका हो? फिर तुमने शर्त रख दी कि पहले सरकार बनेगी तब तुम्हारा पत्ता हिलेगा, तब तुम्हारा कुछ होगा। तो तुम हमारे पिटने का इंतजार कर रहे हो कि हम ज्यादा पिटेंगे, तुम्हारे पास आएंगे तब तुम्हारी सरकार बनवाएंगे। तो पिटना तुम्हारे लिए अच्छा है, यानी हम पिटते रहे और डर के आए और फिर तुम्हारी सरकार बनाए, और जब तुम्हारी सरकार बन जाए फिर हम तुम्हारी खुशामद करें, हाथ जोड़ें। क्योंकि जितने भी संगठन हैं सब बड़े मस्त हैं, आराम से उनके जो पदाधिकारी हैं वो बड़े मस्त हैं, उन्हें इकट्ठा होने की चिंता नहीं है। वो सारे अगर इकट्ठे हो जाए तो एक डॉक्टर ना पिटे। अगर 12:01 पे सारे इकट्ठे होकर अनाउंस कर दें कि हम एक हैं, तो 12:02 पे भारत में एक भी मजदूर नहीं पिटेगा, सबको बस मिल जाएगी।
एक भी डॉक्टर नहीं पिटेगा, सबको इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, एक भी सरकारी कर्मचारी का डिमोशन नहीं होगा, सबकी प्रमोशन वैसी की वैसी हो जाएगी, नौकरियां जितनी ओबीसी एससी एसटी की हैं सारी मिल जाएंगी, जितने एडमिशन हैं पिछले और आगे के सारे मिल जाएंगे, और जितने डिपार्टमेंटों से उनकी छुट्टी हुई है उन डिपार्टमेंटों में सब में नौकरी बहाल हो जाएगी, डिपार्टमेंट बहाल हो जाएंगे। नेता बन के कुछ नहीं होने वाला, सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, सरकारों के चरित्र एक से होते हैं, सामाजिक चरित्र अलग होता है। तुमने 10,000 टुकड़ों में अपने आप को बांट रखा है और हमको तुम ये कहते हो कि पहले सरकार बनेगी तब हम कुछ करेंगे, तो तुम ये बात मानते हो कि तुम निकम्मे आदमी हो, नकार आदमी हो, तुम बिना सरकार के कुछ नहीं खर्च कर सकते। बाबा साहब के पास में कोई सरकार नहीं थी, गौतम बुद्ध के पास में कोई सरकार नहीं थी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, उन्होंने भी जगह जगह घूमे, घर घर गए, रैलियां निकाली। कांचीराम जी को देखो, कौन सी सरकार थी, टूटी फटी साइकिल में 5 पैसे नहीं होते थे उसको ठीक कराने के लिए, अगर वो सरकार का इंतजार करते तो कभी लोग इकट्ठे नहीं होते। तो आप लोग जो यहां बैठे हो सरकार सरकार चिल्ला रहे हो कि आपको पहले प्रधानमंत्री बना दो सबको, उसके बाद आप कुछ करोगे, तो ये सरासर हमारी ब्लैकमेलिंग है, यानी हम तब तक पिटते रहेंगे जब तक तुम प्रधानमंत्री नहीं बनोगे, तो हम तो सारे पिट जाएंगे, हम तो सारे खत्म हो जाएंगे, तो हम तो इसी इंतजार में रहें कि तुम कब प्रधानमंत्री बनोगे और कब हम बचेंगे, तो हम तो बचेंगे नहीं और तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि तुम प्रधानमंत्री कभी बनोगे नहीं, क्योंकि तुम में संगठित होने का जज्बा ही नहीं है, तुम में संगठित होने की कला ही नहीं है। प्रधानमंत्री वो ही बन सकता है जो संगठित होने की कला जानता हो, संगठन बनाने की कला जानता हो, संगठन को चलाने की कला जानता हो, सबके साथ चलने की कला जानता हो। भारत विविधताओं का देश है, 10,000 संगठन बना के तुमने बाबा साहब के संगठित होने के नारे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाबा साहब ने सोचा नहीं होगा कि जब मैं ये कहता हूं कि संगठित हो का मतलब ये नेता असंगठित रहेंगे और पब्लिक से कहेंगे संगठित हो जाओ, तो थोड़ी सी अकल से काम लो, आधे बुद्धिजीवियों, ये सारे लोग मर रहे हैं, सारे लोग कट रहे हैं, तुम्हारी सरकार जब बनेगी बनेगी, अभी तो खड़े हो जाओ, अभी तो इनके पक्ष में आओ, अभी तो कम से कम सारे इकट्ठे होकर कहो ये बच जाएंगे तो तुम्हारी सरकार बन भी सकती है, अगर ये बचेंगे नहीं तो सरकार क्या बनेगी तुम्हारी, तुम खुद नहीं बचोगे। थोड़ा ध्यान दो, गरीब लोग परेशान हैं, डॉक्टर पिट रहे हैं, सरकारी नौकरों की जितनी भी नौकरियां हैं वो जा चुकी हैं, नई नौकरियां मिल नहीं रहे हैं, जो डिपार्टमेंट है जो पब्लिक डिपार्टमेंट है वो बेचे जा रहे हैं, उनमें अब कुछ नहीं है, एक नौकरी नहीं मिलेगी, और प्राइवेट में कहीं तुम रिजर्वेशन लेके नहीं आए कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलेगा तो तुम्हें नौकरी देगा कौन, और खेती तुम्हारे पास है नहीं, इंडस्ट्री तुम्हारे पास है नहीं, बाहर तुम जा नहीं रहे हो, तो तुम्हें चंदा कौन देगा, तो तुम्हें धंधा कौन देगा, तो तुम्हारी पूर्ति कौन करेगा, तो तुम्हारा संगठन कौन चलाएगा, तो तुम्हारे झंडे कौन उठाएगा। ये गरीब जब और गरीब हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे, ये रोटी ढूंढेंगे या तुम्हारा झंडा उठाएंगे, जब ये सरकारी कर्मचारी सारे खत्म हो जाएंगे तुम्हें पैसा कहां से आएगा, तुम्हारा सरकारी कर्मचारियों का संगठन कहां रहेगा। बीएसएनएल के अंदर सारे सरकारी कर्मचारी निकाल दिए, बना लो आप बीएसएनएल में संगठन, अब आपका बीएसएनएल में संगठन नहीं है, बीएसएनएल के संगठन आपका खत्म हो गया, जो डिपार्टमेंट खत्म हो गया उसका संगठन खत्म हो गया, उसका सरकारी कर्मचारी खत्म हो गया। तुमको समझ में नहीं आ रही है बात को, कैसे बुद्धिजीवी हो, कैसे बाबा साहब कैसे चिल्लाते रहते हो, बाबा साहब अगर आज होते तो पता नहीं तुम्हारी क्या क्लास ले देते, क्योंकि ये पब्लिक सब समझ रही है, अब ये तुम्हारी क्लास लेगी, अब तुम्हारा नाम पूछेगी गली गली और घर घर के, तुम संगठित क्यों नहीं होते और हमसे क्यों कहते हो संगठित होने के लिए। धन्यवाद। आरक्षण का डॉक्टर भारत के अंदर, वैसे तो हम कोई प्रतिक्रिया देते नहीं है, क्योंकि प्रतिक्रिया देने से हमारा काम रुक जाता है, और प्रतिक्रिया जिसको हम देते हैं उसका काम बढ़ जाता है, क्योंकि कोई आदमी अगर कोई गलत पोस्ट करता है, गलत बात करता है, तो वो इसलिए करता है कि लोग उस पर धनादन प्रतिक्रिया दें, उसमें उलझ जाएं और मेन बात हट जाए और अपने काम से ध्यान हट जाए। हमारे पास अपना ही इतना पॉजिटिव काम है कि हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर मुझे एक डॉक्टर का फ़ोन आया जो बहुत क्रांतिकारी डॉक्टर हैं, बड़े सज्जन हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, वो डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर के हिसाब से वो जितने भी गरीब लोग हैं बहुत कम पैसा लेकर उनकी सेवा करते हैं, उनको बड़ा दुख हुआ एक पोस्ट से, उन्होंने मुझे भेजी है, वो कहते हैं कि WHO ने कहा है कि भारत के शायद 60% के करीब जो डॉक्टर हैं वो नाकाबिल हैं, निकम्मे हैं, और इसको प्रचारित किया जा रहा है, पता नहीं ये बात ठीक है या खराब है, मगर जो प्रचार हो रहा है वो ठीक नहीं है,
आप इस पर एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो बना लें। मेरे मित्र हैं, मैं मना नहीं कर पाया। देखिए 60% अगर भारत के डॉक्टर नाकाबिल हैं और इसका प्रचार चल रहा है और उसको ये कहा गया है कि आरक्षण के कारण 60% डॉक्टर निकम्मे हैं, तो भारत में कभी 60% रिजर्वेशन के डॉक्टर रहे ही नहीं। बहुत ज़्यादा 10 या 12% रहे हैं, और अभी ओबीसी अगर आए हैं तो ओबीसी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो तो बेचारे अभी थोड़े से डॉक्टर ही बने हैं, उनके तो रास्ते बंद हो गए पहले से ही। मगर बात इसकी नहीं है कि डॉक्टर ओबीसी का है या एससी का है या एसटी का है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि 60% डॉक्टरों में भारत के आधे से अधिक डॉक्टर आते हैं, और ये बात भारत के डॉक्टरों के लिए कही गई है। तो यहाँ की जो पढ़ाई व्यवस्था है, जो यहाँ का शिक्षा का तंत्र है, जो टीचर पढ़ाने वाले हैं, वो ठीक नहीं है। जो सिस्टम है पढ़ाने का, वो ठीक नहीं है। वो WHO के स्टैंडर्ड पे खरा नहीं उतरता। जो यहाँ के टीचर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो नाकाबिल हैं, वो सही से नहीं पढ़ा पा रहे। ऐसा नहीं हो सकता कोई क्लास में इक्का दुक्का तिक्का तो कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो किसी के मुकाबले कमजोर हो, क्योंकि सारे ही जो स्टूडेंट हैं वो एक एग्जाम को बीट करके कंप्लीट करके जाते हैं, और उस एग्जाम में रिजर्वेशन होता है जिसमें आरक्षण के तहत भी स्टूडेंट जाते हैं। तो आरक्षण के स्टूडेंट जाने का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम में भी उनको आरक्षण मिलेगा। यानी सीट का रिजर्वेशन है, सीट उनको मिल गई क्योंकि उनका राइट है, देश उनका भी है, सबका देश है, तो सबको बराबर मिलना चाहिए। मगर जो पास होने का क्राइटेरिया है और पढ़ाने का क्राइटेरिया है, वो दोनों क्राइटेरिया उनके हाथ में नहीं है। पढ़ाने वाला क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, ये वो नहीं जानते, क्योंकि वो पहले से पढ़े लिखे हैं नहीं। पढ़ाने के स्टैंडर्ड को अगर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से या उनके टीचर से कंपैरिजन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनके टीचर कितने लायक हैं, कितने नालायक हैं। दरअसल भारत के जो लायक टीचर होते हैं वो तो एब्रॉड चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, उनको वहाँ पैसा, खाना पानी, फैसिलिटी अच्छा मिलता है और उनको वहाँ सम्मान भी मिलता है। भारत में अधिकतर टीचर रुकना पसंद नहीं करते, इसलिए भारत के संसाधनों को इस्तेमाल करते हैं। भारत के जितनी संसाधन है, जितनी जमीन है, पानी है, पैसा है, नौकर चाकर है, घर बार है, कॉलेज है, जितना भी संसाधन है उसको वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं और अपने आप को लॉन्च करके सीधे उड़ जाते हैं। विदेशों के डॉक्टरों की जाके वहाँ हॉस्पिटलों की चमचागिरी करते हैं, उनका एक ब्रिज कोर्स पहले पास करते हैं, पहले उनके लायक बनने के लिए वहाँ मेहनत करके एक टेस्ट देते हैं। जब वो टेस्ट में पास हो जाते हैं तब वो डॉक्टर कहते हैं कि हम तुम्हें अब पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। वहाँ भी वो जूनियर डॉक्टर ही रहते हैं, डॉक्टरों के असिस्टेंट रहते हैं। कोई इक्का दुक्का डॉक्टर ऐसा होगा जो वहाँ सीनियर डॉक्टर बन जाता होगा। हिस्ट्री उठा लीजिए, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बताते हैं कि वहाँ भी डॉक्टरों को एक तरह से जैसे यहाँ जो नीचे के लोगों की हालत है, वैसे वहाँ यहाँ से जो गए डॉक्टर हैं उनकी हालत रहती है। तो वहाँ भी कोई ज़्यादा सुख और आराम है नहीं। तो टीचर ने जो पढ़ाया है 60%, यानी कि वो टीचर काबिल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि हर एक स्टूडेंट को 50% या 30% या 40% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो जितने स्टूडेंट हैं उनके क्राइटेरिया में सब फिट होते हैं तब जाके उनको डिग्री मिलती है, तब वो पास होते हैं। यानी कि वो जो टीचर हैं वो खुद सर्टिफिकेट देते हैं कि अब आप काबिल डॉक्टर हैं, अब आपको यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस करने की आपको परमिशन मिलती है, ये आपको डिग्री मिल गई है। और जितना भी क्राइटेरिया है वो हर एक स्टूडेंट पूरा करता है, चाहे वो जनरल का है, चाहे एसटी का है, चाहे ओबीसी का है, चाहे हैंडीकैप्ड है। और यहाँ तक कि अगर कोई पैसे के दम पर भी डॉक्टर बनता है, क्योंकि अब तो पैसे के दम पर डॉक्टर बनने लगे हैं। पैसे का दम का मतलब यह है कि आपका मेरिट में नाम आए ना आए, चाहे आप एससी हैं या ओबीसी हैं या जनरल हैं या कुछ भी हैं, तो कॉलेजों ने एक पॉलिसी बनाई हुई है, वो कुछ सीटें रोक के रखते हैं जानबूझ के, बड़ी तिकड़मबाजी है। और उसमें जो बिल्कुल फेल भी हो गए या नहीं भी जानते हैं, उन स्टूडेंट्स को भी वो ले लेते हैं और वहाँ उनका एडमिशन करा लेते हैं। मगर उन स्टूडेंट्स को भी एग्जाम पास करना ही पड़ेगा, बेशक चाहे वो पैसे से आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत का जो पासिंग सिस्टम है, वो पासिंग सिस्टम जो टीचर्स हैं उन्होंने बनाया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा लर्निड और जानकार लोग हैं उन्होंने बनाया हुआ है। तो फेलियर अगर कहीं है तो उस सिस्टम को बनाने वाले और चलाने वालों का है। स्टूडेंट्स को तो जैसे आप कहेंगे वैसे वो करता है, जितना क्राइटेरिया वो देते हैं उतना क्राइटेरिया में वो आता है, ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर एससी एसटी का, ओबीसी का या कोई हैंडीकैप्ड का या पैसे दे के अगर आया है और अगर वो आपको लगता है कि वो नालायक डॉक्टर है, वो कुछ जानता नहीं है, तो आप उससे पूछ लें कि आप एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी हैं या पैसा दे के आए हैं, आप मत कराइए अपना इलाज उससे। आप अपना इलाज उससे करा लीजिए जो आपको लगता है कि टॉपर रहा है, बहुत बढ़िया डॉक्टर रहा है,
जिससे आपको सेटिस्फेक्शन है, इसमें तो छूट है, क्योंकि मरीज का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। डॉक्टर का रिजर्वेशन है पढ़ने का, मगर मरीज तो फ्री है, सारे मरीज को जहां जाना है जितने मरीज हैं जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि 15% मरीज शेड्यूल कास्ट के पास जाएंगे, 10% मरीज शेड्यूल ट्राइब के पास जाएंगे, 50% 52% मरीज ओबीसी के पास जाएंगे, सिर्फ सारे मरीजों में से 10% मरीज ही जनरल वाले के पास जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई अगर किसी अलग रीजन में है तो वो अपने ही रीजन के डॉक्टर के पास जाएगा। तो मरीजों के लिए तो फ्री हैंड है, छूट है, वो कहीं इलाज कराओ, चैरिटेबल कराओ, फ्री में कराओ, वैद्य से कराओ, हकीम से कराओ, एलोपैथी कराओ, होम्योपैथी कराओ, आयुर्वेदिक कराओ, या योगा करो, या विपसना करो, या साधना करो, इलाज कराओ या ना कराओ, सरकारी में कराओ, गैर सरकारी में कराओ, छूट है। तो इसमें किसी आदमी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और डॉक्टरों को भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सारे के सारे भारत के एग्जाम पास करके आए हुए हैं और सारे के सारे आपने उनको सर्टिफिकेट दिया है कि ये सब काबिल हैं। अब WHO अगर ये कहता है कि 50% नाकाबिल हैं या 60% नाकाबिल हैं, तो ये तो एक पॉलिसी मैटर हो गया, सारे जितने भी पॉलिसी बनाने वाले हैं, जितने भी टीचर हैं, उनके लिए हो गया, स्टूडेंट्स के लिए और डॉक्टरों के लिए ये बात फिट नहीं बैठती, ना ही ये उनके लिए कहा है। कोई आदमी इसमें कुछ ऐसा वैमनस या ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा पैदा करे पोस्ट करके, तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि कैसे ही मनमुटाव हो, झगड़ा हो जाए, दिमाग में ये बात जाए कि आरक्षण के जो लोग हैं वो ठीक नहीं है। आरक्षण के लोग भी भारत के लोग हैं, और जो आरक्षण के लोगों में झगड़ा पैदा कर रहा है वो भी भारत का है। फर्क इतना है कि आरक्षण वाले लोग जो भारतीय हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और जो झगड़ा पैदा कर रहा है आपस के लोगों में, भारत के लोगों में, वो देशद्रोह का काम कर रहा है, वो देशद्रोही है जो इस तरह के झगड़ा कर रहा है। अगर आरक्षण के लोग नाकाबिल हैं, आपको लगता है कि ये कम नंबर से पास हो गया है या ज्यादा से आए, तो आपको क्राइटेरिया बढ़ा देना चाहिए। आपको लगता है कि सीटों की मारामारी है, तो आपको इतने कॉलेज खोल देने चाहिए कि जिसको जहां पढ़ना है वो पढ़े। आपको लगता है कि यहां पढ़ लिख के ज्यादा लोग हो जाएंगे तो पूरी दुनिया में जाना चाहिए, जैसे क्यूबा के जो डॉक्टर हैं वो इतने हैं कि वो पूरी दुनिया में जाके अपनी सर्विस देते हैं और पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ हजारों कॉलेज मेडिकल के खुलेंगे तो यहाँ के जितने भी डॉक्टर होंगे वो और देशों में जाके नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, भारत को आमदनी भी होगी और भारत का नाम भी होगा, और ये जो लोग दुष्प्रचार करते हैं इनके मुंह पे तमाचा भी लगेगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.